क्या था फिटनेस? फिर मैं तो भारी वर्क मार दिया शुरुआत से ही। एक तो तुम ये सोचना भूल जाओ कि पुलिस में जो अक्सर पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि कोई फिटनेस वाले लिए जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, सारा दिमाग का खेल है गुरु, ठीक है। और मैं पहली बार 15 जनवरी 1996 में पुलिस में भर्ती हुआ, तो ये पिक्चरों में दिखाया जाता है कि नहीं यो मारा वो पुलिस वाला शक छत पे गया और छत से होते गोली मारी है, तीन आदमी खलास कर। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बैठो और किसी अगर प्रश्न कि आज की सभा समाप्त करें? नहीं सर, हाँ बोलो। सब लोग सर देखते हैं कि समय का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे कि सर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं वो सर टाइम जो बताते हैं उससे बहुत बढ़िया प्रश्न किया। गुड। दिन में है 24 घंटे, वो ना 1 मिनट कम होगा ना 1 सेकंड ज्यादा होगा, वो तो फिक्स है। अब आप देखो आपका कितना समय उपयोगी चीजों में जा रहा है, कितना अनुपयोगी। 6 से 8 घंटे के बीच में हम सोते हैं, मगर शरीर भी काम करेगा, तो 8 दिया 24 तो लगभग 8 घंटे तो इस मशीन को रेस्ट लेने के लिए चाहिए। तो 1/3 समय तो जीवन का, अगर हम 80 साल जीते हैं या 90 साल जीते हैं तो 30 साल तो सोने में गुजारेंगे, ठीक। अब बाकी 16 घंटे बचे तो आप कितनी देर पर पढ़ा लेते हो? 8 घंटे ज्यादा क्या पढ़ते हो? अभी आपका पढ़ने का काम है तो पढ़ो, कभी नौकरी करोगे तो उस हिसाब से वो नौकरी करने में जाएगा। बाकी 8 घंटे जो है आप नहा रहे हो, लेटरिन बाथरूम जा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, कपड़े बदल रहे हो, कहीं रिश्तेदार में मिलने जा रहे हो, कहीं कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है, आपका कोई विकास नहीं हो रहा उसमें, तो 8 घंटे उसमें जाते हैं लगभग लगभग एवरेज 16 घंटे गए। तो इस जीवन का 2/3 भाग तो कोई उपयोगी चीज में नहीं जा रहा, वो केवल अपने जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। तो प्रतिदिन अगर 16 घंटे हमारे से जा रहे हैं, 8 घंटे प्रोडक्टिव यूज है, ये तो हो गई एवरेज बात। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो, तो आप पढ़ने वाला बच्चा इसको बढ़ाता है, 8 घंटे के बजाय वो 10 घंटे पढ़ने लगता है, मेहनत करने लगता है, तो 12 घंटे तक खींच लेता है।